हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माई पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेड सेकेंड क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने रेड सेकेंड क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, इस मिसाइल की अगर हम बात करें तो देखिए कि इस मिसाइल की रेंज है 600 किलोमीटर और यह मिसाइल मिराज से जुड़ी होगी और पाकिस्तान वायुसेना के जो विमान है F-16 लड़ाकू जेट, इससे भी जुड़ी होगी यह मिसाइल, रेड सेकेंड मिसाइल। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो देखिए पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाया जाता है, 19 फरवरी को। ठीक है, और देखिए 13 फरवरी, 4 फरवरी और 25 जनवरी की अगर हम बात करें, बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और देखिए 4 फरवरी को ही श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है 4 फरवरी को। अगर हम बात करें 25 जनवरी की तो देखिए हमारे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, और देखिए ये जो 19 फरवरी को हमने देखा कि सॉइल हेल्थ का डे मनाया जाता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषण संबंधी जो कमियों को दूर करने के लिए इस तरह के जो ये कार्ड दिया जाता है और इससे क्या होता है, फसलों की जो पैदावार में वृद्धि होती है जिससे किसानों में आय होती है और जो सॉइल है, जो खेती है, जो भूमि है वो अच्छे से टिकाऊ होती है ताकि उसकी जो हम देखते हैं कि जो पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम भंडार का अनुमान कहाँ लगाया है? तो देखिए अभी रिसर्चर ने ये अनुमान लगाया कि तो बेंगलुरु में एक लिथियम भंडार की खोज की गई है। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे 14,100 टन लगभग यहाँ पे लिथियम भंडार के अनुमान लगाया गया। ठीक है, और देखिए लिथियम क्या है, एक रेयर मेटल है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी बनाने के काम आता है। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पे बात करें कि दुनिया भर में सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए चिली में सबसे बड़ा लिथियम भंडार पाया जाता है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो सेकेंड नंबर पर आता है और जो दुनिया भर की सबसे ज़्यादा लिथियम चिली में पाया जाता है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और अभी भारत के बेंगलुरु में अभी एक बड़ा लिथियम भंडार की खोज की गई है जिसमें लगभग 14,100 टन लिथियम का अनुमान लगाया गया है। और अगर हम बात करें बेंगलुरु की बात करें तो देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा और यहाँ की जो कर्नाटक क्या है, ये जो बेंगलुरु क्या है, ये कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल है वजूभाई वाला और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला कुंभ प्रदर्शनी किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है? तो देखिए ये आयोजित किए गए कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इस कला कुंभ प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। और देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए कि इससे भौगोलिक संकेत को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारे भारत के शिल्प और विरासत, इनको सारी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और अभी हमारे वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है, तो वह है स्मृति जुबीन ईरानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य के लिए विश्वव्यापी शिक्षा के सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए इसमें भारत की रैंक है 35वां भारत की रैंक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, विश्वव्यापी शिक्षा सूचकांक में। ठीक है, और देखिए कि इसको जारी कौन करता है, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और देखिए ये एक स्कोर देता है जिसमें भारत को अभी स्कोर मिला था 53 और इस 53 स्कोर के साथ भारत जो है 35वें स्थान पर है यानी कि 35वें स्थान पर भारत है। इसमें सबसे पहला स्थान किसका है, तो यह है फिनलैंड का। ठीक है,
देखिए भारत का स्थान, कोई भी रैंकिंग होता है इसमें भारत का स्थान और प्रथम स्थान, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय था लंदन, यूनाइटेड किंगडम इसका मुख्यालय है। और इसकी जो पैरेंट कंपनी है इकोनॉमिस्ट समूह यानी कि ग्रुप, इसका मेन कंपनी है, पैरेंट कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो देखिए एक नया इसका नाम बदला गया है जिसका नाम है रक्षा मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, और इससे पहले इसका नाम था रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान। ठीक है, देखिए इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के नाम बदलेंगे, जैसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर जो क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम बदलकर जो है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया, और इस स्टेडियम में विराट कोहली के नाम से भी एक स्टैंड बनाया गया। और देखिए अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया, और कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभी चेंजेस हुए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो बात की हमने मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की, अगर हम बात करें तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि सभी पहलुओं पर रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, और एक तरह से हम देखते हैं कि नीति प्रासंगिक अध्ययन के लिए जो ये इंस्टीट्यूट समर्पित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1965 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान निदेशक है सुजान आर चिनाव, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो यह चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की बात हो रही है तो इसकी मेज़बानी भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा भारत 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी भी भारत करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉकी की बात हो रही है तो देखिए कि हॉकी का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FIS यानी कि हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसका गठन हुआ था 7 जनवरी 1924 में, और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड, और इसके वर्तमान CEO है थियरी व्हील है, और इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं तो 137 कंट्रीज के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम्मत प्लस ऐप किसने लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए उड़ीसा ने मधु ऐप लॉन्च किया था बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, और RBI ने अभी एक लॉन्च ऐप किया है मनी ऐप, जो कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये करेंसी को पहचानने के लिए और बहुत सारी ट्रांजेक्शन को करने के लिए हेल्प करेगी मनी ऐप। और रिलायंस ने अभी ये देखिए कि जियो मार्ट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जो हिम्मत ऐप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने, ये जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जो लोग कैब से ट्रैवल करते हैं पैसेंजर, ठीक है, तो उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप के द्वारा जो है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ऊबर के साथ ये ने समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए PFRDA के जो अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए सुप्रीतम बंदोपाध्याय को अभी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया यानी चेयरमैन नियुक्त किया गया। देखिए PFRDA का फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी और जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए यानी कि चेयरमैन नियुक्त किए गए सुप्रीतम बंदोपाध्याय। ठीक है, देखिए यहीं पे अगर हम बात करें दीपा मलिक अर्जुन मुंडा और प्रमोद अग्रवाल की, अगर हम बात करें तो देखिए कि दीपा मलिक को हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा जी की तो देखिए इन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ के नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अर्जुन मुंडा जी को, और प्रमोद अग्रवाल जी को अभी हाल ही में कोल इंडिया के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए PFRDA के अभी बात किया हमने तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अगला CVC कौन होंगे यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन होंगे। तो देखिए ये होंगे संजय कोठारी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिमल जुल्का, सुधीर भार्गव और ऋषि शुक्ला की अगर हम बात करें तो देखिए बिमल जुल्का अगले CIC होंगे यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और देखिए ये सुधीर भार्गव का स्थान लेंगे जो अभी वर्तमान में CIC है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ठीक है, सुधीर भार्गव, और इनका स्थान अब लेंगे बिमल
जून का। देखिए ऋषि कुमार शुक्ला की बात करें तो ये वर्तमान में CBIN की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो अभी चीफ है, CBI के जो अभी चीफ है ऋषि कुमार शुक्ला। देखिए CBC की बात हो रही थी यहाँ पे, तो देखिए इसका गठन हुआ था 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसका जो प्रथम CBC कौन थे तो वो है निटोर श्रीनिवास राव प्रथम CBC थे। तो यह भी चीज़ कई बार पूछ लिया जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 विश्व महिला कप फाइनल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, यानी कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की जो फाइनल मैच होगा वो कहाँ पे होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दोस्तों के अपने स्टडी ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, हर एक लाइक ज़रूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।